गुड मॉर्निंग एवरी वन कंटिन्यूंग विद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज कंडीशन एंड टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉन कम्प्लायस जो टर्म्स एंड कंडीशंस है पॉलिसी की उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक है जर्नल कंडीशंस और एक है स्पेसिफिक कंडीशंस जो जर्नल कंडीशंस है वो सभी टाइप ऑफ पॉलिसीज के लिए सेम होती हैं लेकिन जो स्पेसिफिक कंडीशंस है वो क्वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दी प्लान जो आप ले रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल कंडीशन जर्नल कंडीशन क्या क्या है फर्स्ट इज एज जो इंश्योर इंश्योरेंस चार्जेस आप पेबल करते हैं मतलब जो प्रीमियम आप पेपल करते हैं वो कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज एज इन द प्रपोजल अगर आपने प्रपोजल में अपनी एज 35 बताई है तो उसके अकॉर्डिंग होगा अगर फोर्टी फाइव बताई है तो उसके अकॉर्डिंग होगा इन केस जो स्टैंडर्ड एज प्रूफ है वो आपने पॉलिसी होल्डर ने सबमिट नहीं किया है तो जो कंपनी है वो कैंसिल कर सकती है प्रपोजल या फिर आपको एक चांस दे सकती है आपसे मांग सकती है एक फ्रेश स्टैंडर्ड एज प्रूफ जो करेक्ट एज है चाहे वो हायर है चाहे लोअर है जो भी एज आप डिक्लेयर करेंगे प्रपोजल में उसी के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं वो पेबल होंगे तो जो भी आप करेक्ट एज डालेंगे आपके प्रपोजल फॉर्म में उस डेट से ही आपका कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी होगा इन केस जो आपकी एज age... वो हायर है देन द मैक्सिमम एज जो अलाउड है अंडर द प्लान तो जो पॉलिसी है वो कैंसिल हो जाएगी और जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वो भी रिफंड कर दिया जाएगा नेक्स्ट इज योर सुसाइड अगर जो पर्सन जिसकी जो लाइफ एश्योर्ड है वो सुसाइड कमिट कर लेता है चाहे वो सेन था चाहे इनसेन था विद इन वन ईयर जब आपकी कमिंसमेंट हुआ है जिस डेट को रिस्क का या डेट ऑफ रिवाइवल जो पॉलिसी आपकी जिस डेट को हुई है विच एवर इज लेटर तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो अवयड होगा चाहे आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हुआ है चाहे क्रिएट नहीं हुआ है जो कंपनी है वो एंटरटेन नहीं करेगी आपका क्लेम बाय वर्च्यू ऑफ दिस की आपकी जो पॉलिसी है एक्सेप्ट टू द एक्सटेंड ऑफ बिड वैल्यू जो पॉलिसी होल्डर ने यूनिट अकाउंट से लिंक की है ऑन द डेट ऑफ डेथ देन है आपका जो एक्चुअल डेट है डेथ डेथ uh, की वो बेसिस बनेगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपकी वैलिडिटी कितनी होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होल्डर की जो अकाउंट वैल्यू है वो जिस डेट को आप इंटीमेशन दे रहे हो डेथ का कंपनी को उस डेट से इफेक्टिव होगी जो प्राइस है जिसपे आप आओगे कि कितनी वैल्यू है वो बिड प्राइस पे डिटरमाइन किया जाएगा एट दी नेक्स्ट यूनिटाइजेशन और जो आपकी जिस टाइम पे आपको रिसिप्ट हुई है इंटीमेशन ऑफ डेट डेथ की उस डेट से वो शुरू होगा नेक्स्ट इज योर स्पेशल प्रोविजन कोई भी स्पेशल प्रोविजन सब्जेक्ट टू जहाँ जो पॉलिसी है आपकी जिसमें आपने एंटर किया है उसमें चाहे वो आपने की है पॉलिसी चाहे किसी सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स में है उसे पार्ट समझा जाएगा पॉलिसी का और वो भी इफेक्टिवली अकॉर्डिंगली जो है इफेक्ट उसका माना जाएगा मतलब कोई भी स्पेशल प्रोविजन अगर आप पॉलिसी में डालते हो चाहे इंडोसमेंट के थ्रू चाहे किसी सेपरेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसे पॉलिसी का ही पार्ट समझा जाएगा देन है नॉन डिस्कलोजर इनकेस आप ने कोई नॉन डिस्क्लोजर किया है फ्रॉड किया है रिप्रेजेंटेशन किया है प्रपोजल में या पर्सनल स्टेटमेंट में या डिक्लेरेशन में या किसी भी अदर कनेक्टेड डॉक्यूमेंट में जिसकी वजह से असेप्टेंस हुआ है तो जो कंपनी है उसके डिस्क्रिप्शन है उसकी मर्जी है कि वो उस क्लेम को आ, मना कर सकती है या जो भी बेनिफिट है आपको पेबल नहीं करेगी अंडर सब्जेक्ट टू सेक्शन ऑफ़ एक्ट इंश्योरेंस एक्ट एट नेक्स्ट इज योर नोटिस कोई भी नोटिस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन जो इस पॉलिसी के अंडर देनी है वो राइटिंग में होगी और डिलीवर्ड होगी बाय हैंड पोस्ट एफ और ईमेल के थ्रू किसको पॉलिसी होल्डर को लाइफ एश्योर्ड या असाइनी को एज पर डिटेल्स जो भी स्पेसिफाइड पॉलिसी होल्डर लाइफ एश्योर्ड या असाइनी ने की है प्रपोजल फॉर्म में जो भी उसने चेंज ऑफ एड्रेस अगर उसने इंटीमेट किया है तो उस नए चेंज ऑफ एड्रेस पर उसको इंटीमेट वो चीज कंपनी को करनी पड़ेगी नेक्स्ट इज योर एंड कैंसलेशन केस प्रीमियम आप ड्यूली पे नहीं करते हो या जो कोई कंडीशन है पॉलिसी की उसे आपने कॉन्ट्राविन किया है उसे तोड़ा है आपने या फिर ये पता चलता है कि कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने प्रपोजल में डॉक्यूमेंट में अटैच की है जो फॉल्स है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर्टी फाइव ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट जो पॉलिसी है उसे वॉइड समझा जाएगा इन दैट केस जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे जो भी अमाउंट पेड है उसे फॉरफिट कर लिया जाएगा एज पर इंश्योरेंस एक्ट कोई भी जो पॉलिसी है उसे कैंसल नहीं किया जा सकता आफ्टर टू ईयर्स ऑफ एक्सपायरी जिस डेट को वो इश्यू हुई है पॉलिसी उस डेट से नेक्स्ट इज लोन्स लोन्स आप पॉलिसी पे ले सकते हो लेकिन वो डिपेंड करेगा अपॉन दी कंडीशंस ऑफ पॉलिसीज जो लोन्स है आपको अगेंस्ट इंडोमेंट पॉलिसीज मिल जाते हैं नेक्स्ट इज योर फ्री लुक पीरियड जो पॉलिसी है वो आप कैंसिल कर सकते हो ऑन द रिटर्न रिक्वेस्ट या एक रिटर्निंग रिक्वेस्ट देके विद इन फिफ्टीन डेज जब आपको पॉलिसी रिसीव हुई है उस डेट से तो जो कंपनी है उसे उस टाइम पर आपका जो भी पैसा पॉलिसी होल्डर ने पे किया है उसे रिफंड करना पड़ेगा नेक्स्ट इज योर मॉडिफिकेशन जो प्रोविजन है पॉलिसी के उसे आप चेंज नहीं कर सकते एक बार जब पॉलिसी इशू कर दी है कंपनी ने उसके बाद द नेक्स्ट इज योर असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन असाइनमेंट होता है कि जब आप जो आपकी एसेट है या कोई पॉलिसी है जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को उसे ट्रांसफर कर रहे हो उसके सारे बेनिफिट्स उसके राइट्स अगर आप दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसे असाइनमेंट कहा जाता है तो एक असाइनमेंट जो है पॉलिसी का वो आप कर सकते हैं थ्रू एंडोर्समेंट या तो पॉलिसी के ऊपर लिख के ही या फिर एक अलग से सेपरेट इंस्ट्रूमेंट को साइन करके जो असाइनमेंट होगा वो स्पेसिफिकली स्टेट करेगा कि असाइनमेंट जो है आपका क्या कहता है कौन असाइनर है उसमें कौन असाइनी है उसमें और स्टेटमेंट भी उसमें ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए जो लाइफ एश्योर्ड है वो नॉमिनेशन कर सकता है किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग द टेन ऑफ पॉलिसी नेक्स्ट इज योर एलिजिबिलिटी कोई भी पर्सन जो मेच्योर है मेच्योर का मेजॉरिटी है मेजर major मेजॉरिटी का मतलब है 18 इयर्स प्लस है तो वो एलिजिबल है एंटर करने के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में वो इंश्योर अपने आप को करवा सकता है और जिसकी लाइफ में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसको भी वो इंश्योर करवा सकता है नेक्स्ट इस मेडिकल एग्जामिनेशन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोल सकती है अपने खुद के ऑन पैनल डॉक्टर्स के से uh, वो आपको कह सकती है आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है बिफोर एक्सेप्टिंग दी प्रपोजल देन रिवाइवल ऑफ लैप्स्ड पॉलिसी लैप्स्ड पॉलिसी हम कहते हैं कि जब आपने प्रीमियम पे नहीं किया है एक स्पेसिफिक पीरियड तक पॉलिसी का तो उसे लैप्स माना जाता है कि पॉलिसी खत्म होने जा रही है या पॉलिसी डेड हो गई है तो जो रिवाइवल ऑफ लैपस्ट पॉलिसी है उसमें क्या है कि जो लैप्स पॉलिसी है उसे आप रिवाइव कर सकते हैं एज पर द दंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिसी लेकिन सभी सर्कमस्टांसिस में जो पॉलिसी होल्डर है उसे फर्निश करना पड़ेगा एक एविडेंस उसकी सेटिसफेक्ट्री हेल्थ का और उसे सारे जो भी ड्यू प्रीमियम्स हैं वो पे करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट जो कंपनी है वो रिफ्यूज कर सकती होती है लैप्सड पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ जो भी कंपनी का बोर्ड अप्रूव्ड गाइडलाइंस देता है देन नेक्स्ट इज करेंसी जो भी अमाउंट पेबल होगी आइदर टू और बाय दी कंपनी वो पेबल होगी इंडिया में और इंडियन करेंसी में नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ क्लेम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द नॉमिनी या उसके लीगल स जो कंपनी है वो पे करेगी क्लेम और जो ये इसकी इंटीमेशन है वो कंपनी को आपने देनी है एज एज पॉसिबल और मैक्सिमम डेज जो क्लेमेंट है उसे प्रूफ देना होगा एंटाइटलमेंट का ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट मेडिकल कॉस्ट डेथ सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए और जिस भी डॉक्टर ने उसे लास्ट अटेंड किया है लाइफ एश्योर को वो उसे मैंशन करेगा देन कॉपी एफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन केस अगर अन्यचुरल डेथ हुई है जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे कंपनी को अलॉन्ग विद दी क्लेम फॉर्म देन नेक्स्ट आता है आपका लॉस ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन केस आपका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो खो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है तो जो कंपनी है वो आपको डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू कर सकती है आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट पर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी रिटर्न रिक्वेस्ट पर और जो कंपनी है उसके लिए फी चार्ज करेगी फॉर इशूइंग डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट नेक्स्ट है इन केस पॉलिसी होल्डर या जो नॉमिनी है आपका अगर क्लेम के केस में वो सेटिस्फाई नहीं है कंपनी के डिसीजन से तो वो इंश्योरेंस ऑबिट्समैन को अप्रोच कर सकता

स्टडी uh, कर सकते हैं तो सबसे पहला जो है राइट इंटरेस्ट ऑन एसेट लाइफ पॉलिसी और प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर उसे हम कहते हैं असाइनमेंट जो पर्सन जो ट्रांसफर कर रहा है राइट right, उसे हम कहते हैं असाइनर और वो पर्सन जो जिसको ट्रांसफर की जा रही है टाइटल जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसे हम कहते हैं असाइनी जनरली जो असाइनमेंट है वो जब आप लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी जब आप देते हैं तो उस केस में असाइनमेंट आप यूज करते हैं जो पॉलिसी होल्डर है अगर वो पॉलिसी असाइन करता है इन फेवर ऑफ समवन किसी के भी राइट फेवर्स में वो असाइन uh, करता है पॉलिसी तो जो भी उसके खुद के राइट्स हैं पॉलिसी पे वो सारे खत्म हो जाते हैं जो असाइनी है उसे सारे राइट्स मिल जाते हैं जो मनी है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड या मेचोरिटी ऑफ पॉलिसी पे वो असाइनी को ही मिलेगी देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ असाइनमेंट असाइनमेंट दो टाइप्स के हो सकते हैं एक है एब्सोल्यूट असाइनमेंट और दूसरा है कंडीशनल असाइनमेंट एब्सोल्यूट असाइनमेंट हम किसे कहते हैं ये वो टाइप का असाइनमेंट है जिसमें जो असाइनी है उसके पास कंप्लीट राइट right होते हैं against the policy. टिल की जो पॉलिसी है दोबारा से रीअसाइन की जाए इन दॉलिस इनकेसाइनी है मेच्योरिटी से पहले तो so, जो, जो असाइनी के उसे ही मिलेंगे कंडीशनल असाइनमेंट कंडीशनल असाइनमेंट में क्या होता है जो भी टाइटल राइट या इंटरेस्ट है पॉलिसी में वो ऑटोमेटिकली वापिस असाइनर के पास चला जाता है ऑन दी अकरेंस ऑफ सर्टन स्पेसिफाइड कंडीशन जैसे अगर डेथ हो गई है असाइन की बिफोर द डेथ ऑफ अ साइनर या फिर आपका रीपेमेंट आपने लोन की कर दी है या जो

है उसके पास कंप्लीट ऑनरशिप होनी चाहिए पॉलिसी की असाइनमेंट राइटिंग में होगा और क्लियर होगा असाइनमेंट असाइनमेंट आप कर सकते हो विद और विदाउट कंसीडरेशन अलाउड है सभी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स में एक बार अगर आपने असाइनमेंट कर दिया तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते सिर्फ री असाइनमेंट ही किया जा सकता है जो असाइनमेंट है वो किया जा सकता है इन फेवर ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन असाइनमेंट किया जा सकता है इन फेवर ऑफ मोर देन वन पर्सन

असाइनमेंट का जो ट्रांसफर है जो असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी आप कर रहे हो वो सिर्फ आप एंडोसमेंट से कर सकते हो अपॉन दी पॉलिसी इट या एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट आप बना सकते हैं सेपरेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक डीड ऑफ असाइनमेंट आपको बनानी पड़ेगी और उस असाइनमेंट का एटलीस्ट वन विटनेस होना चाहिए देन जो नोटिस है असाइनमेंट का दी पॉलिसी डॉक्यूमेंट और असाइनमेंट डीड आपको सेंड करना है इंश्योर को और इंश्योर वो नोटिस रिसीव करके रेगुलेट करेगा जो भी प्रियोरिटी होगी सभी केसेस में देन आफ्टर रिसीविंग जो इंश्योरर है वो रिकॉर्ड करेगा असाइनमेंट की जो फैक्ट है उसको टुगेदर विद ऑफ असाइनी एंड डेट ऑफ असाइनमेंट जो इंश्योरर है उसको रिटर्न में एक्नोलिजमेंट देनी है कि उसे रिसीव हो गया है नोटिस असाइनी को ऑन दी पेमेंट ऑफ मैक्सिमम फीस ऑफ वन रुपी। और फ्रॉम डेट ऑफ ऑफ असाइनमेंट जो असाइनी है वो इनटाइटल है सभी बेनिफिट्स रिसीव करने के लिए अंडर दी पॉलिसी और रिस्पॉन्बल होगा सभी लाइबिलिटीज के लिए अंडर पॉलिसी जो वैलिड असाइनमेंट है वो इरिवोकेबल होता है और उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता उसे सिर्फ री असाइन किया जा सकता है देन जो भी नॉमिनेशन आपने पॉलिसी में लिखा है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा आफ्टर असाइनमेंट तो ये था हमारा असाइनमेंट की कंडीशन तो स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर आता है अंडर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज नॉमिनेशन इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच